देशभर तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सोनीपत के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक व्यक्ति ने प्रशासन व शासन से परेशान होकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जी, हम आपको बता दें कि सोनीपत के गोहाना रोड स्थित कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक व्यक्ति ने जो है जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी खानपुर स्थित पीजीआई में जो है मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि शासन व प्रशासन की व्यवस्था से तंग आकर किसान के बेटे ने जहरीला पदार्थ निगल कर की आत्महत्या। कोर्ट कॉम्प्लेक्स परिसर में जहरीला पदार्थ निगल कर युवक ने लगाया मौत को गले। इलाज के दौरान खानपुर पीजीआई स्थित शख्स ने दम तोड़ दिया है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया और आगामी कार्रवाई के लिए शुरुआत कर दी गई है। सोनीपत के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव सजादपुर के रहने वाले सुनील नाम के एक शख्स ने कोर्ट परिसर में जहरीला पदार्थ निगल लिया और आनन फानन में सोनीपत पुलिस व उनके साथी साथ इलाज के लिए खानपुर पीजीआई ले जाया गया, जहां पर उसके इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सुनील की जेब में पुलिस ने एक 2 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने मौत के पीछे 9 लोगों को जिम्मेवार ठहराया है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। हम आपको बता दें कि सोनीपत के सहजादपुर गांव का रहने वाला सुनील काफी समय से अपनी पैतृक जमीन पर अन्य लोगों द्वारा धोखाधड़ी करके लोन लेने का आरोप लगाया गया था, जिसकी शिकायत उसने सोनीपत डीसी ललित शिवाज से लेकर अन्य अधिकारियों तक की। हालांकि जिला कष्ट निवारण समिति के एक बैठक में भी सुनील ने इस मुद्दे को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने भी रखा था। जहरीला पदार्थ खा के और सुसाइड कर लिया है, जिसमें हमने उसके पास मिले सुसाइड नोट के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है, तफ्तीश जारी है। सर, शिकायत में क्या कुछ उसने दिया था? शिकायत में बताया है उसने कि भाई मेरी जमीन के ऊपर लोन ले लिया गया है किसी दूसरे सेकंड पर्सन ने, तो और अधिकारियों से जैसे तहसील के कुछ लोगों पे मिली भगत करके वो मेरे साथ भाई तो लोन लिया गया है, तो उसमें हम जांच कर रहे हैं, जैसे भी जो भी कार्रवाई बनेगी हम करेंगे उसमें। अभी क्या मामला पूरा सामने, क्या कार्रवाई की जा रही है सर? कार्रवाई अभी पोस्टमार्टम करवा के और नाशको वारसान के हवाले किया जाएगा और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको शामिल जांच किया जाएगा, राउंड अप करेंगे सभी। ये जी मेरे गांव के हैं सुनील सनोबक जाल के लड़के, इनका काफ़ी सालों से विवादी रोज जमीन का विवाद चल रहा था, 13 बीघे जमीन का झगड़ा है, थर्रा वाले रास्ते पर जमीन लगती है, और तो इसमें कई बार तहसीलदार से मिले और मूलचंद शर्मा के पास भी, उसमें भी कोर्ट में भी गए, तो उनने इंक्वायरी के लिए कर दिया, परंतु एक तहसीलदार है मनोज अलाउत, उनसे मिले। एक तो ये इंद्रपाल है, इंद्रपाल सुनोप राम स्वरूप है, और उसका लड़का है विनोद, और एक है रिश्तेदार है इनका विजय एग्रो वाला प्रवीण, प्रवीण और विजय ये एग्रो वाले हैं महिंद्रा की, जो जाल चौक से आगे चल के इनकी एजेंसी है ट्रैक्टरों की, तो इन्हें पीछे भी पहली बार भी एक बार खेत में गए थे, ये जुताई कर रहे थे, वहाँ कुछ बदमाश बुलाकर इस लड़के को सुनील को जिनकी आज डेथ हुई है इनको चाकू भी मार दिए थे, वो भी जो है विचाराधीन है मामला, और इससे पहले भी कई बार ये पहले भी वारदात कर चुके हैं। अब क्या मामला था? अब ये कोर्ट में गए हुए थे। किस मामले में लेते? इस जमीनी मामले में गए हुए थे। अच्छा। और तो उन्होंने इनको धमकी दी, तहसीलदार से मिले तो उन्होंने भी धमका के बाहर निकाल दिए, तो प्रेशर में आ गई, उन्होंने मजबूर कर दिया इसको, तो कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही थी, और तो ये भी थाने में सुबह थाने में भी मिले हैं, ये एसपी मैडम से भी मिले हैं और पहले भी गए थे, एप्लीकेशन भी दे रखी है 3 या 4 दिन पहले एप्लीकेशन भी दे के आए थे, खतरे की इससे पहले भी दे रखी है, तो सुसाइड कर लिया, और तो फिर इन्हें वहाँ पे सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट मिला कोई? हाँ, सुसाइड नोट मिला है जिनकी जेब से, क्या लिखा है उसमें? ये इसका राम, इसका विजय का, और ये जो है इंद्रपाल, इंद्रपाल का लड़का और प्रवीण, और इसका जो एग्रो वाला है ये विजय, इनका नाम लिखा हुआ है, और एक तहसीलदार है इसमें, साजिश में शामिल,
मनोज अलावत। तो अब क्या चाहते हैं पूरे मामले? हम न्याय चाहते हैं जी, उनको इनको इनकी जमीन भी मिले और इसको लड़के को जो है न्याय मिले। कितने एकड़ जमीन थी इनकी? 13 बीघे जमीन है। सुसाइड कहाँ किया है? सुसाइड कोर्ट में किया थी, सोनीपत कोर्ट में, डीसी ऑफिस की तरफ। हाँ, इसी में वहीं पे किया है। तो आज इनकी मौत होगी? आज इनकी मौत होगी जी। ये सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में लेके गए थे इनको, और तो उनने फिर यहाँ कानपुर रेफर कर दिया था। क्या नाम? और भी इलाज के चलते हुए इनकी डेथ हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा विजेंद्र शर्मा जी, सरपंच है जातपुर। उसके बाद मतलब उन्होंने उस जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया था, और मेरे रजिस्ट्री बनवा ली थी उन्होंने। उस टाइम पे मेरे पापा भी इसी मतलब मुकदमे को लड़ते लड़ते मर गए थे, और उस टाइम पे नाबालिग थे। और उसके बाद मेरे भाई ने भी अभी मतलब इसको हमने पता लगा, लोन भी हमारे नाम है, जमीन भी सरकारी रिकॉर्ड में हमारे नाम है, छेड़छाड़ भी हो रखी रिकॉर्ड में। और उसके बाद फिर हमने कोर्ट के तहसीलदारों के भी बहुत चक्कर लगाए, और अभी मूलचंद शर्मा के पास गए, उन्होंने भी कमेटी बैठाई, और जिसके चलते परेशान, जिसके चलते अभी बहुत ही हरासमेंट हो रखी थी अभी। और जान पहले भी कई बार हमला हो लिया, कई बार भी पिछले साल भी हमला हुआ है, और जब भी तारीख पे जाते थे धमकी भी मिलती थी, और खेत में जाते थे खेत में भी मतलब धमकी भी मारपीट भी हुई उनके साथ कई बार, चक्कू भी लगे थे, हमने रिपोर्ट भी कटवाई थी, जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार के ऑफिस जाते तहसीलदार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, वो भी उनके जानने वाला। अच्छा, था जमीन का कब्जा किसने कर रखा है? अब जमीन का कब्जा हमारे पे है। नहीं, जो पहले का मामला क्या? पहले उन जमीन का कब्जा जैसे हमने पट्टे पे दी थी, तो उन्होंने अवैध कागज बनवा के कब्जा कर लिया था। किसको दी थी? इंद्रपाल को दी थी। अब उनका लड़का है विनोद, जो अभी मतलब ये मारपीट वगैरह ये धमकी वगैरह जो करवा रहा है, और इनके रिश्तेदार भी हैं प्रवीण और विजय, जो उनकी ट्रैक्टर की एजेंसी भी है। कितनी जमीन थी? 13 बीघे जमीन, 13 बीघे के करीबन जमीन है। कब दी थी? ये काफ़ी साल पहले की है। अब ये बहुत मेरे पापा दादा और ने दी थी, उसी के लगातार केस चलता आ रहा है, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं। फादर भी केस लड़ते लड़ते मर गए, और अभी भाई ने भी अभी हमला भी होया, और इतना मतलब होते होते जेल में भी डलवाया मेरा भाई ही, और मारपीट भी हमारे ही साथ, और ना हमारी कोई सुनवाई हुई। तो अब क्या किया आपके भाई ने? अब मेरे भाई ने जहर खा के उनका नाम सुसाइड नोट में उनका नाम भी कौन कौन है इसमें? इसमें इंद्रपाल है, इंद्रपाल का लड़का विनोद है, और इनके रिश्तेदार है विजय और प्रवीण, तहसीलदार भी, और तहसीलदार मनोज अलावत। तो अब क्या करते हैं पूरे मामले? हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, नहीं तो हम भी फिर जैसे बाप भी मर गया भाई भी मर गया, तो हम भी ये होगा सुसाइड ही करेंगे, और क्या होगा, इतने टाइम से लड़ रहे हैं लगातार। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित कुमार। भाई? उसके सुनील का छोटा भाई हूँ।